आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में बता रहा हूँ। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, महत्तम जैसे इस सबसे ही क्लियर है, सबसे बड़ा। इसका इंग्लिश है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में संक्षेप में इसे कहते हैं मॉसर और इंग्लिश एब्रिविएशन है HCF। इसे मैं एक उदाहरण की सहायता से बता रहा हूँ। 12 का अपवर्तक, अपवर्तक अर्थात फैक्टर, फैक्टर अर्थात वैसी संख्याएं जिनसे 12 में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो सबसे पहली संख्या है 1, 1 से 12 में पूरा पूरा भाग लग जाता है। फिर इसके बाद दूसरी संख्या 2, 2 से 6 बार में 12 में भाग लग जाता है। 3, इससे 4 बार में लगता है। 4, 4 से 3 बार, 6 और फिर 12। ठीक इसी तरह से 15 का अपवर्तक यानी फैक्टर अर्थात जिनसे 15 में पूरा पूरा भाग लग जाता हो। 1, 3, 5, 15। अब नेक्स्ट आ रहे हैं 12 और 15 का समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर अर्थात इन दोनों फैक्टर्स में जो दोनों में है। हम देख रहे हैं 1 दोनों में है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 दोनों में है। तो 12 और 15 का समापवर्तक हो गया 1 और 3। अब 12 और 15 का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF या मॉसर, ये देख रहे हैं हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो यह आया 3। आशा है आप समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिस के लिए मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ, इसे आप बनाएं और पोस्ट करें।